नान और कुलचे के लिए जो मैदा हम तैयार करते हैं, तो उसको लगाने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो हमने यहाँ पर एक बड़ी सी तगारी ली है। तगारी के अंदर 5 किलो मैदा को छान लेंगे छलनी की सहायता से। तो हमने यहाँ पर मैदा को छान लिया है। इसके बाद इसके अंदर हमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक, 2 ग्राम शक्कर, 200 ग्राम कुकिंग ऑयल, 500 ग्राम दूध, 4 इसके बाद इन सभी को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद अभी इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा सा पानी मिलाते रहेंगे और हाथों की सहायता से अच्छे तरह से इसको स्टर करेंगे, यानी कि मिला लेंगे अच्छे तरीके से। जैसा कि मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड करी थी स्टोव कुलचे की, तो उसके अंदर काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे कि मैदा को किस तरह से लगाकर तैयार करते हैं, इसका जो डो बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। तो उनके लिए वीडियो मैंने बना दी है। इस मैदे से बनी हुई रेसिपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। और रेस्टोरेंट जैसी वीडियोस को देखने के लिए अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियोस को अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आप तक पहुँच जाएगी। ज़्यादा गीला नहीं रखना है, एकदम टाइट रखेंगे। अब इसको 30 से 40 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो अब हम 40 मिनट बाद इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। नान और कुलचे बनाने के लिए मैदा तैयार है। तो हम इस तरह से पेड़े बनाकर रखते हैं और जब भी कोई ऑर्डर आता है तो फटाफट से हम नान और कुलचे जो भी ऑर्डर आता है तो हम फटाफट से तैयार कर लेते हैं।